Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. क्या ही बताऊँ मैं आपको, आपका हिंदी का पेपर देख के तो मुझे लगा वापस से ये स्टैंडर्ड पेपर ही आया है, ना ज़्यादा ईजी और ना ज़्यादा हार्ड. जब मैंने पूरे पेपर को एक साथ में बैठ के इवेल्युएट किया मेरे चैम्पियंस को बुला कर जिनको मैं पढ़ाता हूँ, दे ऑल्सो फाउंड इट अ बिट, इतना सा यू नो टफ इट वॉज. सो मुझे लगा ग्रामर पार्ट जो है, जहाँ पर हम लोग ग्रामर पार्ट पर डायरेक्ट जाते हैं, ग्रामर पार्ट वॉज वन ऑफ द ईजीएस्ट पार्ट. ग्रामर क्वेश्चन ईजी आए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था. उसके अलावा जो क्वेश्चंस कहाँ पे आए हैं, लास्ट में कहाँ है ये क्वेश्चन, यदि किसान की आत्मकथा हमारी सैर यदि पुस्तक ना होती, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन वापस से टफ हो गए हैं. विज्ञापन में खरीदा शिविर अगर आपने लिखा रहेगा स्पोर्ट्स कैंप के बारे में तो वेल गुड इनाफ, बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिचकिचाया रहेगा लिखने के टाइम पे तो फिर नो वरीज. बट जो मैंने आपको बताया था कहानी के बारे में, वो कहानी आई ना, मैंने आपको कल रात में समझाया था, रात के मैंने 2 बजे वीडियो बनाया था मुझे याद है. एंड मैंने उसमें आपको बताया था परिश्रम के फल के बारे में, परिश्रम का फल मीठा होता है, परोपकार का फल मीठा होता है, मैंने ये समझाया था. एंड वही कहानी आई, गाँव में लड़कियाँ होती है, लड़कियाँ फूल बनाती है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने आपको बताया भी था. तो वो ये चीज़ को उन्होंने ऐसा कनेक्ट करके आपको डाला है. उसी के साथ में वृतांत लेखन भी ईजीएस्ट टॉपिक पर आया था, कल रात में मैंने आपको समझाया था वृतांत लेखन भी. अगर आपने देर रात में जाके या तो सुबह में उठ के मेरा वीडियो देखा रहेगा तो आपको इजीली समझ में आएगा. परिच्छेद में से 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर एक एक वाक्य में हो, एक एक शब्दों में नहीं, एक एक वाक्य में हो. तो अगर आपने यहाँ पे 4 प्रश्न बनाए रहेंगे आपको ईजिली 4 मार्क्स मिल जाएंगे. आगे जब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत ईजी वाला आपको आया था, राजेश रजनी शर्मा का पत्र लेखन आया है यहाँ पर, जहाँ पर आपको नांदेड़ का योग का महत्व समझाने हेतु पत्र लिखता लिखती है, योगा का महत्व कितना ज़रूरी है आज के तारीख में, इसके बारे में अगर आपने लेटर लिखा होगा तो आपको डेफिनेटली फिर से मार्क्स मिले होंगे. नेक्स्ट मिलेंगे सतारा को क्रिकेट खेलने की सामग्री, क्रिकेट की सामग्री की मांग करते हुए पत्र लिखता लिखती है, फॉर्मल लेटर भी आपको एकदम ईजी आया था. क्रिकेट की सामग्री, क्रिकेट को लेकर क्यों आया है, 2 क्वेश्चन आया है, खेल का महत्व आया है, नहीं खेल शिविर आया है और क्रिकेट को लेके यहाँ पे ISPL चालू है, इसके लिए आया है क्या, ISPL चालू है और कर्नाटका में भी मेरे ख्याल से अभी स्पोर्ट्स गेम हुआ था, KSWG ऐसा आई गेस कुछ तो ऐसा, कर्नाटका स्पोर्ट्स वेल्थ एंड गेम, जिसमें उत्तराखंड के लोगों ने जीता था, महाराष्ट्र वापस से 2nd नंबर पर आई थी. या मेरे ख्याल से वही से रिलेट करके क्वेश्चंस डाले होंगे उन्होंने, खेल के ऊपर 2-2 क्वेश्चन डाले हुए हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से इसका रिलेटेबिलिटी आया रहेगा. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ग्रोन अप सन को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. ऑल राइट, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है. उसी के साथ में ग्रामर क्वेश्चंस जो मैंने देखा था यहाँ पे, ग्रामर क्वेश्चंस जब मैंने सॉल्व भी किया मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने मुझे बिना हिचकिचाए हुए आंसर दिया है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी बिना हिचकिचाए लिखे रहेंगे. पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे ईजी ही लगा, ग्रामर का कोई हार्ड नहीं था. इंस्टा पे फॉलो करो हाँ मुझे, विनय पनेकर. ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव ग्रामर क्वेश्चंस तो ईजी थे, पोएम्स में वो एक स्टूपिड सी पोएम आ गई थी बर्षा ही जलद ने थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर दिया. क्वेश्चंस जो है इधर पे इजी पूछे गए थे, बट ये जो दुष्ट विद्वान, बूंद गिरी, ये भी इजी था. दुष्ट विद्वान में थोड़ा सा आपको पता है ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स भी जाता है अपना, तो अपने को बुरा लगता है क्योंकि अपन एक एक मार्क्स को गिनते हैं परसेंटेज बनाने के टाइम पर, राइट. फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा अनसीन पैसेज के क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे, और आप लोग के जो कॉमेंट्स है बहुत अच्छे कॉमेंट्स है यार, आप लोग इतना अच्छा कॉमेंट्स करते हो, आई एम सो थैंकफुल टू यू. बट अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको मेरे सारे अपडेट्स मिलेंगे. 81% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, 19% लोग नहीं सब्सक्राइब किया है, तो मेक श्योर करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए. इस वीडियो के तुरंत बाद मेरा एक वीडियो आने वाला है जिसमें बताने वाला हूँ कि हिंदी के पेपर प्रेजेंटेशन में, पेपर सॉल्यूशन में आपने कितने आंसर्स राइट लिखे आप चेक कर सकते हो, और कितने आंसर्स आपके रॉन्ग हो गए हैं, तो उस चीज़ का रिग्रेट करके आपको नहीं बैठना है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर अलजेब्रा है. आज रात से मैं वीडियो बनाने चालू करूँगा होपफुली, एंड उसके बाद में हम लोग ईजिली क्या करेंगे, उसको समझेंगे, सब कुछ करेंगे और आगे बढ़ेंगे. आई एम देयर विथ यू थ्रू आउट द टाइम, जब तक आपका ज्योग्राफी पेपर ख़त्म नहीं होता है मैं आपके साथ हूँ. टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, आगे बढ़ना है हमको, चैम्पियंस हैं हम लोग. ऑल राइट, मामा डाडा को थैंक यू बोलो, आपके 3 लैंग्वेजेस पेपर हो गए हैं
एंड खाना भी ना खाओ, आराम से आप थोड़ा रेस्ट कर लो क्योंकि आप कल भी पड़े होगे रात में और सुबह में जल्दी उठे होगे। मेक श्योर करना आप अपना बेस्ट दे रहे हो, और आप दे रहे हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। रिलैक्सेशन इज़ द की टू रिचार्ज योर माइंड। जब तक आप रिचार्ज नहीं करोगे अपने आप को, या तो आपके फ़ोन को रिचार्ज नहीं करोगे तो आपका फ़ोन चलेगा नहीं वैसे। दैट इज़ जस्ट सेम इक्वल टू यू। ऑल राइट, तो अंटिल आई मीट यू फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, रिलैक्स, गो एंड रिलैक्स। वो वाला वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ पेपर सॉल्यूशन का, वो उठ के देख लेना। ओके, अंटिल वी मीट, बाय बाय।